इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, अभियंतो, ओबीरजेन, कोनिचिवा, हाय एवरीबॉडी, आई एम एन अल्कोहलिक एंड माय नेम इज रॉय, और आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। तो बहुत शुक्रिया कि ये नागपुर ग्रुप मुझको ये मौका दिया मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना है ये स्टेप्स के ऊपर। और आप कल आप बहुत पेशेंटली सुना मेरा शेयरिंग। जरी ब्रीफली बैकग्राउंड, 1984 में मैं एए में आया, मेरा उम्र था 22, और 6 साल के लिए कुछ कुछ जमा नहीं मेरा सिर में। मैं समझा नहीं प्रोग्राम क्या है, फेलोशिप क्या है, स्टेप्स क्या है, बेप्स क्या है, कुछ नहीं, और मैं पीते ही रहा। और 6 साल के बाद में 1990 में 22 अप्रैल मैंने लास्ट टाइम एक शराब पिया। उसको पता नहीं था कि वो मेरा लास्ट टाइम होएगा, लेकिन लास्ट टाइम था। और 23 अप्रैल मैं सोबर आया मीटिंग में, और मैं पहला स्पॉन्सर से मिला, और मैं स्टेप्स चालू किया उसी दिन से। और उस दिन से आज तक 31 साल और 11 महीना से मैं शराब से दूर हूँ। तो पहले 1 साल जब भी मैं एए में था, मैं सिर्फ मीटिंग्स करता था, लोगों का अनुभव सुनता था, और स्टेप्स मैंने किया जैसे स्पॉन्सर बताया। 1 साल के बाद में मैं सुसाइड करने का इच्छा था, क्योंकि एए में मैं एकदम बोर हो गया था और एकदम अफसोस हो गया था, क्योंकि मेरा कुछ जवाब नहीं मिला यार। कुछ भी मैं पूछता हूँ, बोला कीप कमिंग बैक, ये तरह आओ जाओ, बैठो, कान खोलो, सुनो, कान का कॉपूस निकाल को निकाल के मुंह में डालो, किधर भी डालो। एंड उस समय चमत्कार हुआ, और मेरा बहन ने मुझको एक अंग्रेजी बिग बुक भेजा फ्रॉम यूएसए, और मेरा आंटी जो ऑस्ट्रेलिया में था उसने मुझको जोअन चाली का टेप्स भेजा, जो अभी एक मेंबर ने जोअन चाली का नाम लिया। तो ये जोअन चाली कौन थे? वो पुराना ओल्ड टाइमर था, और 1978 में ये दो बंधन का वही प्रॉब्लम था जो मेरा पास है, अरे खाली ड्रंकोलॉजी है मीटिंग में, सोबर कैसा बनना है। और ये दो बंदा बिग बुक खोल के पढ़ाई चालू किया कि स्टेप्स कहाँ है, स्टेप्स कब लेना है, स्टेप्स कैसा लेना है, स्टेप्स लेके क्या फायदा होएगा। और ये उसका शेयरिंग टेप्स पे आया, कैसेट टेप्स पे, और वो टिप्स मेरे पास आया, और आई स्टार्टेड लिसनिंग, और मैं उसका पढ़ाई चालू किया, और मेरा पूरा सोबरिटी चेंज हो गया। मैं रिकवर्ड हो गया अल्कोहलिज्म से, बिल्कुल ये पीने का सोच मेरा मन से निकल गया। सो कल हम लोग फर्स्ट स्टेप लिया, और वो पहले पेरी लिखा है कि हम ये सत्यहीन है और अपना जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया। और लास्ट हम लोग छोड़ा चैप्टर 3 पेज नंबर 30, और सवाल था कि मैं पहला पैरी कैसा लेना है, और सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि हमने ये जाना कि हमें अपने अंतर्वीर में पूरी तरह से स्वीकार करना है कि हम शराबी है। तो ये पहले पैरी था। मैंने कल बताया कि पहले पैरी का पावरलेस का क्वेश्चन पेज 44 पे है, और अस्त व्यस्त का क्वेश्चन पेज 52 पे है। इसका डेंजर है, डॉक्टर सिलकोत बोलते हैं कि जब भी हम अस्त व्यस्त है इमोशनली, तो मन में हम चिड़चिड़ापन, असंतोष एंड इरिटेबल होते हैं, और मन में आते जाके पियो, और ये बार बार होएगा जब तक मन ठीक नहीं होते। तो इससे कैसा निकलने का? स्टेप्स ले लो, डॉक्टर सिलकोत बोला। ये स्टेप्स कहाँ लिखा? ये बुक में। ये बुक क्यों पढ़ना है? क्योंकि डॉक्टर सिलकोत बोला ये बुक में मास्टरली प्लान लिखा है कैसा सोबर रहने का, डॉक्टर ने लिखा है। तो अभी पहला पैरी मैंने लिया, मैंने अपने अंदर देखा, और मैं एकदम अंदर से स्वीकार किया कि हाँ, मेरे को ये अल्कोहल का बीमारी है और मैं अल्कोहलिक हूं। तो अभी पहला पैरी लिया, तो अभी मेरा सवाल था दूसरा पैरी कभी लेने का है। तो ए में बहुत ज्ञान मिला मेरे को, अरे अभी तुम पहला पैरी लिया, अभी तुम 90 दिन तुम
मीटिंग्स में आओ, स्ट्रांग हो जाओ, फिर उसके बाद में दूसरा पैरी ले लो। घाई क्या है रे, आराम से। अभी तू पहला पैरी लिया ना, आराम से करो, फर्स्ट स्टेप पे चलो थोड़ा टाइम के लिए। तो मेरा सवाल अपने आप को था कि मैं दूसरा पैरी कभी ले सकता हूँ? अगर आपके पास ये हिंदी बिग बुक है या इंग्लिश बिग बुक है, सेम पेज पे, पेज नंबर 46 पे लिखा है, दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, हम ये सेकेंड स्टेप कभी ले सकते हैं? वी फाउंड दैट एज सुन एज वी वर एबल टू ले असाइड प्रेजुडिस एंड एक्सप्रेस इवन अ विलिंगनेस टू बिलीव, तो वी कमेंस टू गेट रिजल्ट्स। तो बोलते हैं, जैसा हम अपना प्रेजुडिस बंद मंद, अपना मन जो बंद है, अरे इन लोग को क्या समझते है, ये साइड में रखो, और ये मानने का इच्छा, जस्ट विलिंगनेस, जब भी वो विलिंगनेस होता है तो हमको रिजल्ट मिलेगा। अभी विलिंगनेस का एक साधारण एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आज अपना एक मेंबर का 3रा साल का बर्थडे था मापसा में, तो हम मोटरसाइकिल पे गया मापसा में। उतना में मेरा मोटरसाइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो गया। अभी मैं परेशान हो गया, प्रॉब्लम हो गया, अभी क्या करो? मैं 2-3 मेंबर से पूछा, अरे भाई मोटरसाइकिल बंद हो गया, क्या करने गए? तो एक मेंबर अतुल, उसने बोला, अरे उधर वो मैकेनिक है ना, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारा बाइक ठीक करेंगे। अभी मैं वो मैकेनिक को पहचानते नहीं, ओके, मैं ऐसा आउट एंड आउट नहीं मान सकता है कि वो हमारा बाइक ठीक करेंगे, लेकिन मैं अतुल को पहचानते हैं। आई एम विलिंग टू बिलीव, मैं मानने के लिए तैयार है कि अतुल मेरे को झूठ नहीं बोलेगा, और अतुल मेरे को सही मोटरसाइकिल मैकेनिक में भेजेंगे। और मैं वहां गया, वो आदमी ने मेरा गाड़ी ठीक किया, और मैं तुरंत घर पे आया ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। अभी उसका रे वो उदाहरण और ये का संबंध क्या है? बोलता है, एज सुन एज वी ले सेट प्रेजिडिस, प्रेजिडिस मीन मेरा मन बंद है, एंड एक्सप्रेस्ड अ विलिंगनेस टू बिलीव, तो मैं सोबर नहीं रह सकता हूं। 6 साल से मैं एए में स्लिप खाता था, 84 से 90 तक, ओके, बार बार स्लिप होता था, लेकिन जब भी मैं वापस आता वही मेंबर सब सोबर ही रहता था। उन लोग वहां ही बैठा, सोबर बैठा, बोला क्या रोए, वापस आया क्या शाने, चल अभी तैयार है। तो शायद मैं भगवान को नहीं मान सकता था, मत इन मेंबर लोग को हम मान सकता था। सो आई वॉज विलिंग टू बिलीव, मेरा मानने का इच्छा तैयार हो गया कि एक पावर हमको रिजल्ट देंगे, और इनिशियली वो पावर था एए मेंबर लोग, ओके। तो इन लोग बोलता कि हम तैयार हो जाओ कि एक हायर पावर, एक ऊंचा शक्ति, एक भगवान हमको रिजल्ट दे देंगे। नीलेश सिंह, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, आई डोंट नो व्हाट टू टेल यू। तो मेरा इमीडिएटली सवाल आया कि मेरे को हायर पावर क्यों चाहिए, मैं अपना पावर क्यों नहीं रोक सकते? तो अगर आप वापस डॉक्टर्स ओपिनियन में जाओ, पेज नंबर XXIX, और डॉक्टर ओपिनियन का 5वां पेज, ओके, XXIX, 5वां पेज, 1, 2, 3, 4, चौथा पैराग्राफ में, डॉक्टर सिल्कवत, याद रखो, कल से दुनिया का सबसे मशहूर डॉक्टर, नंबर 1 रिहैब का डॉक्टर, जो 18,000 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, देखो उसने क्या किया। ऐसा महसूस होता है कि उस अवक्षय मानसिक बदलाव के लिए मानवीय शक्ति से बड़े एक शक्ति के जरूरत है। बाप रे, पूरा दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर जो एडिक्शन ट्रीटमेंट करते हैं, उसने बोला कि हम डॉक्टर लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम सोबर रहना चाहिए तो तुम एक ऊंचा शक्ति ढूंढना पड़ेगा, तेरे से एक बड़ा शक्ति
ढूंढना पड़ेगा। अरे यार, लेकिन डॉक्टर हम इतना पैसा दिया, तुम्हारा रिहैब में आया, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया, तुम हमको कोई मेडिकल सोल्यूशन दे रहे हैं? या कुछ दवाई दे दो, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे दो, कुछ स्लीपिंग पिल्स, कुछ डिप्रेशन एंटी, कुछ भी देना मेरे को मेडिकल सोल्यूशन। देखो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अगर आप पेज टर्न करेगा, पेज ट्रिपल एक्स 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 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट 3 लाइन में देखो ये डॉक्टर सिलकोत क्या बोलते हैं। वो बोलता है इधर एकदम नीचे ऑरेंज में, शराब के प्रति यह इलाजी कभी भी उन उपचारों से जिनको हम जानते हैं सही तौर पर समाप्त नहीं की जा सकती। बॉस हम इतना साल से अल्कोहल ट्रीटमेंट कर रहा हूं, डॉक्टर सिलकोत बोलते हैं, और अब तक हम कौन सा भी ट्रीटमेंट नहीं मिला जो शराबी को ठीक कर सकता है, ना शॉक थेरेपी, ना इन पेशेंट, ना आउट पेशेंट, ना मेडिकेशन, ना मेडिटेशन, ना ट्रिप पे भेजो, ना लॉक करो इंसेन असाइलम में, एक भी ट्रीटमेंट नहीं मिला जो इन लोग को ठीक कर सकता है। इसे छुटकारा पाने का हम एक ही उपाय सुझा सकते हैं, शराब से पूर्ण पूर्ण परोज, कंप्लीटली स्टॉप, कंप्लीटली स्टॉप। बाप रे, तो पहला पैरी में मैंने मान लिया कि मैं शराब के सामने सत्यहीन है और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया। दूसरा पैर मैं कभी ले सकते जैसा मेरा मन खुला होता है कि हाँ शायद होएगा एक ऊंचा शक्ति। ऊंचा शक्ति का जरूरत क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बोलता है मेडिसिन में हम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक ऊंचा शक्ति ढूंढो, उससे ही हो जाएंगे, क्योंकि तुम 100% बंद करना पड़ेगा तुम्हारा शराब। तो यह सवाल मेरा मन में आता है, तो ये दूसरा सवाल क्या है भाई? और अभी मीटिंग के स्टार्ट में अपना एक भाई ने पढ़ लिया फ्रॉम पेज नंबर 59 ऑफ द बिग बुक, दूसरा दूसरा स्टेप टू, विश्वास पैदा हुआ कि एक उच्च शक्ति हमारे मानसिक संतुलन का पुनरुत्पत्ति कर सकती है। सॉरी मेरा हिंदी रीडिंग बहुत खराब है, 10वीं के बारे में मैं इतना हिंदी पढ़ा नहीं एक दिन में। ये सेकंड तीन पॉइंट है, एक है कि विश्वास पैदा होता है, विलिंग टू बिलीव। दूसरा है ऊंचा शक्ति, एक ऊंचा शक्ति का जरूरत। और तीसरा पॉइंट है मानसिक संतुलन, जो हम लोग बॉम्बे का हिंदी में बोलते हैं शराबी का पागलपन। ओके, तो सेकंड स्टेप में बोलता है कि हम मानने के ये विश्वास आया कि एक हायर पावर है जो हमारा पागलपन को सीधा कर सकते, हमको वापस होश में ला सकते हैं, शराब के बारे में हम सही ढंग से सोच सकते हैं। कल मैं मेरा बहन का उदाहरण दिया कि जब वो मच्छी खाते हैं उसको खुजली होते है, वो पागल नहीं। जब भी वो बाहर जाते हैं पार्टी में और उसके सामने मच्छी आता है डिनर टेबल पे, बोलते हैं नो थैंक यू, वो मेला एलर्जी है, और दूसरा जगह जाके बैठते हैं। वो है होश में, सेन थिंकिंग। और एए का प्रॉमिस है कि अगर मैं ये 12 पैरी कर लेंगे, मैं भी ये होश में आऊंगा 10वां पैरी के बाद में, और मैं भी बिंदा शराब के सामने, मैं गोवा में रहता हूँ, पूरा गोवा में शराब है, मेरा फैमिली में सब लोग पीते हैं, उन लोग सब यूएसए में रहते हैं। जब भी मैं यूएसए जाते हैं, उन लोग क्या मंगाते हैं इंडिया से? अचार नहीं मंगाते हैं, चपाती नहीं मंगाते हैं, पापड़ नहीं मंगाते, उन लोग बोलते हैं ड्यूटी फ्री से मेरे को 2 बॉटल लेके आओ। और मैं ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं रिकवर्ड हो गया, मेरा मन का ट्रीटमेंट स्टेप्स करने से मेरा मन का साइकिक चेंज हो गया, पूरा मेंटल चेंज हो गया, और मैं शराब से कोई डर नहीं है, रिस्पेक्ट है, शराब उसका जगह में सही है, मैं अपना जगह में सही है, मैं बॉटल लेके उसको दे सकते। अभी लोग बोलेगा अरे ऐसा कैसा यार, तुम तुलना करते हैं, यू आर प्लेइंग अराउंड विद दिस। मैं एक सिंपल उदाहरण बोलता हूँ, कितने लोग
इस दुनिया में उसके पास डायबिटीज है, तो उन लोग शक्कर नहीं खा सकते, उन लोग मिठाई नहीं कर सकते। क्या जब भी तुम इस जन के घर में जाते है वो तुमको बिना शक्कर चाय देंगे क्या? 100% वो तुमको पूछेगा शक्कर चाय वो दे देंगे तुमको। उसके पास डायबिटीज है, वो शक्कर नहीं खा सकते, वो हमको पनिश नहीं करते। सिमिलरली मैं शराबी हूं, मैं शराब नहीं पी सकता हूँ क्योंकि वो एलर्जी पैदा होएगा। लेकिन अगर मेरा फैमिली मेंबर कुछ है, अब भी हम मेरा बिजनेस में जब भी हम बाहर जाते हैं लंच डिनर में, हम लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं, सब रेस्टोरेंट में अल्कोहल सर्व करते हैं, नॉट जस्ट इन गोवा, पूरा इंडिया में। तो ये प्रॉमिस है कि हम सैनिटी में ला सकते हैं। तो मेरा इंसैनिटी जो बिग बुक जो बोलते हैं ये पागलपन, ये मानसिक संतुलन, इसका एग्जाम्पल हाँ हम किधर देख सकते हैं? क्या है मेरा इंसैनिटी? तो अगर आप पेज नंबर 23 पे जाएंगे, और पेज नंबर 23 एक दो तीसरा पैराग्राफ में सेकेंड लास्ट लाइन बोलते हैं, तो वो इस सनक में रहता है कि किसी दिन किसी तरह वे इस खेल का जीत जाएंगे। ये है मेरा इंसेनिटी। मैं सोचता है कि कौन एक दिन मैं जीतूंगा, एक दिन मैं वो बॉटल ले लूंगा और मैं जीतूंगा, मैं पीऊंगा और कुछ लफड़ा नहीं होएगा, आराम से पिएगा, मजा आएगा, सब लोग मेरा भाव देगा, हमको मानेगा, हमारा शब्द सब सुनेगा, सब खूबसूरत लड़की मेरे पास में आएगा, बोलेगा अरे वाह रॉय तू इतना फिलोसोफर है, ये है मेरा इंसैनिटी। अरे पिछले 10 साल से तेरा पीने के वजह से लफड़ा ही होता है, आज तुम ये कैसा सोच सकते है? ये है इंसैनिटी। सिंपल उदाहरण, अभी इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट खलास हो गया, ओके? समझो मेरा मन में एक आइडिया आया कि चलो हम नेट प्रैक्टिस पे जाएंगे और हम बैटिंग करेंगे इंडिया का ओपनिंग बॉलर हो क्या नाम है बुमराह के सामने, साला 6 बॉल में सब 6 बॉल में मेरा विकेट गिरने वाला है, लेकिन मेरा इंसैनिटी क्या है? नहीं, एक दिन मैं जीतेगा, एक दिन मैं सिक्स मारेगा, एक दिन मैं उस, दिस इज इंसैनिटी। तो शराब के सामने मेरा ये थिंकिंग ऐसा है। और ये इंसैनिटी का नेचर क्या है? तुम पेज फ्लिप करो और पेज नंबर 24 से दो तीसरा पैराग्राफ में थर्ड लास्ट लाइन में ये मेरा सोच, इस बारे हम दूसरे लोगों की तरफ संभाल कर पी सकते हैं, मेरा यही है। अरे मेरा मम्मी, उसका उम्र है 84, और रोज शाम को 7 बजे एक पैक ब्लैक लेबल स्कॉच पीते हैं। तुम उसको 1 करोड़ रुपया दे दो, वो दूसरा पैग नहीं पिएगा। अगर वो काला लेबल का बॉटल नहीं है और तुम मेरा माँ को बोलेगा अरे डॉक्टर ये ब्लैक लेबल नहीं, आप रेड लेबल ले लो, मैकेलन ले लो, ग्लेनफिडिश ले लो, नो वो नहीं है, तुम उसको नहीं चाहिए। ये है नॉर्मल पीपल। और मैं सोचता है मैं उन लोग के जैसा मैं पी सकता हूँ। मेरा एक छोटा भाई मेरे से 6 साल छोटा है, वो अमेरिका में एक कॉलेज का प्रोफेसर है पेंसिल्वेनिया में, अच्छा बहुत एस्टेब्लिश मशहूर है उसका लाइन में। तो वो क्या करते हैं, वो तो अल्कोहल का बोतल लोग कलेक्ट करते हैं पूरा दुनिया से, और जब भी मैं यूएस जाते हैं वो 1 महीना पहले हमको लिस्ट भेजा, अरे भाई ड्यूटी फीस है, ये बोतल लाओ, ये नहीं तो वो लेकर आओ, वो नहीं हो तो 5 6 चॉइस देते हैं मेरे को। जब भी मैं उसके घर में जाके देते हैं मैं रोता है देखने का, अरे चल अभी वो खुलेगा, अभी वो पिएगा, वो साला वो बॉटल बाहर। मैं बोला ये क्या तू पिएगा ने? बोला ने न्यू ईयर्स का पार्टी में मैं सब मेरा स्टाफ मेंबर को बुलाएगा, शायद उस टाइम में बॉटल पिएगा और बॉटल खोलेगा, शायद मैं भी देखेगा मूड कैसे है। ये है नॉर्मल लोग। नॉर्मल लोग निर्णय कर सकते हैं कब पियो, क्यों पियो, कहाँ पियो, किसके साथ में पियो, कितना पियो, क्या पियो, और पियो या ना पियो, और पिएगा तो मजा करो या ढंग से पियो। ये है नॉर्मल लोग।
मैं भी ऐसा पीना चाहिए, पेज 24 में लिखा है, दूसरे लोगों की तरफ कर पी सकते हैं, लेकिन मेरे पास फर्स्ट स्टेप के वजह से मेरा पास कंट्रोल नहीं है। तो कब पियो, कभी भी, कहाँ पियो, जहां मिलते है, क्या पियो, जो से दूर से मेरे सामने है, कितना पियो, जितना मैं पी सकता हूं, टाइट हो जाओ, नहीं, मैं ढंग से पीना चाहिए, लेकिन हमेशा टाइट होते हैं। ये नॉर्मल लोग और मेरा फर्क है, लेकिन मेरा इनसेनिटी, मेरा पागलपन बोलते हैं, चल वापस ट्राई करो, इस टाइम तुम जीतेगा, पेज 23 जैसे। और तीसरा टाइम में इंसैनिटी के बारे में, पेज नंबर 30, पहला पैराग्राफ में उन लोग लिखा है, ये मेरा इंसैनिटी, ये सोच क्या कि मैं गेम जीतूंगा, मैं दूसरे के तरफ पीऊंगा, ये सोच कि किसी दिन किसी तरह वे शराब के नियंत्रित करके पिएगा और शराब पीने का आनंद लेगा। हर हर शराबी का सनक होते हैं, हर शराबी में ये सोच है कि एक दिन मैं कंट्रोल में पिएगा, 2-3 पैग पी के मजा आएगा, एक दिन मैं इंजॉय करेगा। दोस्तों, जब भी मैं कंट्रोल में पीने को गया, कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि पहले पैरी के वजह से मेरा फिजिकल एलर्जी है, और वो 3 पैग छे हो गया ना, और मैं गया वापस पुलिस स्टेशन। जब भी मैं इंजॉय पीने करने को गया, चलो आज पिएगा बिंदास, मैं इंजॉय किया, बाकी किसी लोग को इंजॉय नहीं हो गया, मैं उल्टी किया, पेशाब किया, मारा मारी किया, लफड़ा किया, बेहोश हुआ। लेकिन बिग बुक बोलते हैं कि ये सोच हर शराबी के अंदर है। ये 3 प्रकार का है मेरा इंसैनिटी, कि एक दिन मैं गेम जीतूंगा शराब के सामने, एक दिन मैं दूसरे लोग के माफ़त मैं पी सकता हूं, ये मेरा इंसैनिटी, और एक दिन मैं कंट्रोल भी करूंगा और मैं इंजॉय भी करूंगा। और हर 3 एरिया में बार बार फेल हो गया, लेकिन बार बार मैं वापस गया ट्राई, कोशिश करने के लिए, और बार बार फेल हो गया। यह है मेरा विशेष साइकिल। तो मेन प्रॉब्लम क्या है यार, वेयर इज द मेन प्रॉब्लम, मैं ये क्यों करता है? वापस आप पेज नंबर 23, 23 पे जाओ, और पेज नंबर 23 पे एकदम ऊपर 5वां लाइन पे लिखा है, और 4th लाइन पे लिखा है, इसलिए शराबी की मूल समस्या उसकी मानसिकता में होता है, न कि उसके शरीर में। अरे बाप रे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बिग बुक, ये 100 लोग जो पहले सोबर होके ये बुक लिखा, उसने बोला ये 3 चीज दो तुम करते हैं, गेम जीतो, दूसरे के माफे पियो, कंट्रोल एंजॉय करो, ये हमेशा होता है क्योंकि तेरा मन में प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम तेरा मन में है, नॉट शरीर, क्योंकि अभी मैं 31 साल 11 महीना सोबर है, मेरे शरीर के अंदर कोई एलर्जी नहीं। तो अगर मेरा मन बोलेगा, अरे यार तुम गोवा में है, तुम कितने साल से इंडिया में नहीं पिया, अरे मौसम कितना गर्म है आज, हीट वेव चालू है गोवा में, बस एक ठंडा, अरे जब भी तुम इंडिया छोड़ा 94 में, वो 2 ही बियर थे, वो 3 बियर, किंग फिशर, लंदन पिल्सनर, और तीसरा के कौन सा, जो भी था, मोहन मेकन का गोल्डन ईगल। अभी बाप रे, इंडिया में कितना बियर है, ये है मेंटल। इसलिए बिग बुक बोलते हैं कि द मेन प्रॉब्लम ऑफ द अल्कोहलिक मेरा मन में है, और ये प्रॉब्लम क्या है, देखेगा हम लोग पेज 45 पे। पेज 45 में सेकंड पैराग्राफ में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी मैं ये पढ़ा, हमको मालूम पड़ा, शक्ति के कभी ही हमारे दुविधा थी, हमें उस शक्ति को खोजना था जिसके सहारे में जीवित रह सके, और न सहे दे ये शक्ति हर हाल में हमसे ऊंची होना चाहिए थी। बाप रे,
लैक ऑफ पावर, प्रॉब्लम ये था कि मेरा पास पावर शक्ति नहीं था, इसलिए जब भी मेरा मन बोलता है जाके पियो, मेरा पास शक्ति नहीं था वो सोच रोकने के लिए, ला जाके पियो। अरे मेरा शक्ति, मेरा मन बोलते है आज तुम गेम जीतेगा, वापस ट्राई करो। आज तुम दूसरे के माफ़त पिएगा, वापस ट्राई करो। आज तुम कंट्रोल एंड एंजॉय करेगा, वापस ट्राई करो। और इस हाथ में मैं पीते रहा, तो मेन प्रॉब्लम उधर है। और इन लोग बोलते हैं कि मेरा ये मेरा शक्ति नहीं है, कौन सा शक्ति ढूंढना पड़ेगा यार। मैं विल पावर क्यों नहीं वापस दे? मैं सिगरेट छोड़ा विल पावर पे, गैम्बलिंग छोड़ा, नॉन वेज छोड़ा, गर्लफ्रेंड छोड़ा, विल पावर क्यों बोल? मैं काफी चीज किया, तो क्यों मैं ये विल पावर नहीं यूज करते मेरे अल्कोहल के ऊपर? देखेगा डॉक्टर सिलकोत क्या बोलते हैं। डॉक्टर सिलकोत नंबर वन डॉक्टर ऑफ अल्कोहल ट्रीटमेंट, बिल की कहानी में पेज नंबर 7 1 2 3 तीसरा पैराग्राफ में। और दोस्तों ये जो मैं बोलता है ये पैराग्राफ और ये लाइन अपना सुधीर में एक PDF बनाते हैं ये सब रेफरेंसेस, और जी वो रिकॉर्डिंग रिलीज करते हैं साथ में PDF पे बेचते तो आपको एक रेडी रेफरेंस मिलेगा। क्योंकि देखो मैं मेरा कोई ज्ञान नहीं देते, मैं तो बुद्धू आदमी, मैं 10वीं पास है, ये कोई मेरा मसा नहीं है। ये पहला 100 लोग जो दुनिया में सोवर हो गया और ये पुस्तक लिखा, उसने जवाब पुस्तक में लिखा, मैं खाली ये अप्लाई किया और नतीजा है मैं अभी 31 years 11 months सोवर है। और मैं बार बार ये नंबर क्यों बोलते है, क्योंकि जो नया मेंबर मैं तुमको बता सकता है तू उस पर रह सकते है और एक अच्छी जिंदगी रह सकते है और लंबा इनिंग्स खेल सकते और जवाब इधर है। सो प्लीज आप बुक ले और आप देखो जो मैं बोलता हूँ। तो मैं विल पावर क्यों नहीं वापर सकते, पेज नंबर 7 तीसरा पैराग्राफ में ये डॉक्टर सिकवत ने बिल को बोला, जब शराब से छुटकारा पाने की बात आती है तो हम शराबियों की इच्छा शक्ति रूप से कम होता है। कौन बोला? डॉक्टर सिलकोत। किसको बोला? बिल डब्ल्यू। बिल कौन है? एक फाउंडर। डॉक्टर सिलकोत कितना पेशेंट का ट्रीटमेंट किया? 18,000 उस टाइम, मरने दम तक वो 50,000 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। और इस आदमी इतना पेशेंट देख के बिल साहब को बोला, बॉस तुम्हें इच्छा शक्ति नहीं चलेगा। पेज टर्न करो, पेज नंबर 24 ने वापस सेकेंड पैराग्राफ में उन लोगों को स्लैंटेड राइटिंग में इटैलिक्स में, तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसने बताया। तो तथा यह है कि अभी तक आजाद करने से अधिक शराबी अपनी मर्जी से शराब पीने के शक्ति के गवा चुका होते हैं। हमने कही जाने वाली इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी होती है। बाप रे, वंस मोर वो बोलते हैं कि द पॉइंट इज अल्कोहलिक के लिए हमारा चॉइस गया, पियो या ना पियो हमारा पास चॉइस नहीं है। अगर शराब मेरे सामने आता है, मेरा एक ही जवाब है, हाँ देना है। मेरा भाई को पूछेगा आप पीगा या नहीं पीगा, वो सोचेगा नहीं राज ने छे। मेरा मम्मी को पूछेगा तू पीगा नहीं पीगा, बोलेगा ब्लैक लेगल है तो एक पिएगा। हमको पूछेगा पीगा, हाँ मेरा पास चॉइस नहीं है। क्यों? क्यों मेरा इच्छा शक्ति है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मेंटल प्रॉब्लम है। पेज 20, मेरा पास शक्ति नहीं है। आई जस्ट डोंट हैव द पावर टू नो ये। अच्छा तो अगर मेरा पास शक्ति नहीं है और ये डॉक्टर बोलता है कि सोबर रहने के लिए हमसे कुंचा शक्ति का जरूरत है, तो ये पावर कैसा ढूंढो? क्या रास्ता से ढूंढो? कहाँ
कहाँ मुझको डायरेक्शन मिलेगा? वापस प्लीज आप पेज टर्न करके पेज नंबर 45 में जाओ, 1 2 3 तीसरा पैराग्राफ में उन लोग बोलते हैं जी हाँ, ये पुस्तक ठीक इसी विषय पर है, इस पुस्तक का मूल उद्देश्य तक अपने से इच्छा शक्ति के खोज में आपकी सहायता करना है, जिसे प्राप्त कर आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकेंगे। बोलते हैं बॉस हम लोग जी हाँ यही टॉपिक जो तुम पूछते, ये पावर कैसा ढूंढो, ये बुक का यही यही है, हम तुमको बताएगा ये पावर कैसा ढूंढेगा। और एक बार ये भगवान या ऊंचा शक्ति या हायर पावर आपने मिला, वो पावर तुम्हारा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वाओ, ये तो बहुत ये मेरे लिए बहुत अच्छा न्यूज है कि एक जवाब है, एक शक्ति है जो मेरा मानसिक पागलपन सीधा कर सकते है और हमको शराब से दूर रख सकते है। ये बहुत अच्छा है। तो ये पावर क्या है, क्या है ये शक्ति? और पेज नंबर 47 में पहला दो लाइन पे लिखा है, इसलिए जब हम आपसे ईश्वर की बात करते हैं तो हम उसके अर्थ आपके ही अपनी धारणा की ईश्वर है। तो जब भी हम हायर पावर या गॉड या भगवान या ईश्वर या तेरे मन और तेरा मर्जी में क्या आइडिया है भगवान में, ये मीटिंग कोई कोई लोग हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई नास्तिक है, सब अलग अलग टाइप का है। और बिग बुक क्या बोलते हैं, किसी के साथ में झगड़ा नहीं है। जब भी हम हायर पावर या गॉड या भगवान का नाम या ईश्वर बोलते हैं, ये तेरा ही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। अच्छा, और पेज नंबर 46 में 1 2 तीसरा पैराग्राफ में उन लोग लिखा, हमारे लिए सबसे अधिक रहता की बात यह थी कि हम ईश्वर को लेकर दूसरे की धारणा मानने के आवश्यकता नहीं थी, हमारी अपनी धारणा जो कितना भी अपर्याप्त क्यों न हो, ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने और उस तक पहुंचने के लिए काफी है। अरे भाई, ये लाइन भाइयों बहनों, ये लाइन से मुझको आजादी मिला, क्योंकि मेरा परिवार एकदम मिक्स्ड है। मेरा माँ का फैमिली है हिंदू, इधर गोवा से, मेरा बाप का फैमिली है क्रिश्चियन, कलकत्ता से और मैंगलोर से, मेरा एक आंटी का मर्द है मुसलमान, मेरा एक आंटी का मर्द है पारसी, मेरा एक आंटी का मर्द है यहूदी। घर में बैठे तो धर्म यूनाइटेड नेशन चालू है, सब लोग बोलते हैं मेरा धर्म सही है, और मैं तो धर्म से दूर हो गया। मैं भगवान को मानते ना, उस टाइम 28 उम्र जब भी मैं एम्स हो गया, मैं बोला अरे कोई भगवान नहीं है यार, अगर भगवान था तो थोड़ी मेरा बाप था 16 उम्र में, और जो भी मेरा प्रॉब्लम था मैं भगवान के ऊपर डाला, और मैं बोला कोई भगवान है ही नहीं। तो ये बोलते तुम तेरे इच्छा पे रोक सका नहीं, तुम विलिंग टू बिलीव, तुम मानने के लिए तैयार है कि हम लोग सोबर है, हाँ तुम लोग सब सोबर है, हम लोग एक ऊंचा शक्ति से सोबर हो गया, तुम वो ढूंढने के लिए तैयार है। मैं बोला यार लेकिन तुम लोग का, वो बोला देख बुक क्या लिखा, तुम दूसरा का ऊंचा शक्ति मानो मत, मेरा एक दादी माँ हिंदू है, मेरा दूसरा दादी माँ क्रिश्चियन है, दोनों बहुत अच्छा औरत है, एक तो मंदिर में जाते है, एक तो चर्च में जाते है, प्रार्थना करते है, दोनों मेरे ऊपर बहुत प्रेम रखते है, लेकिन उसका धर्म नहीं चाहिए यार, बहुत कानून है, यू नो अगरबत्ती जलाओ, चर्च में जाओ, ये मत खाओ, उपास करो, ये करो, प्रार्थना करो, ये बॉस नहीं चाहिए मेरे को। और देखो ये क्या बोला बॉस, तुम तुम्हारा खुद का कॉन्सेप्ट बनाओ। और मेरा स्पॉन्सर जो पहले मेरे को मदद किया, उसने मेरे को एक सवाल पूछा, वो बोल अगर बाय चांस ये दुनिया में एक शक्ति था, एक भगवान था,
तो तुम कौन सा तरीके के भगवान, तो तेरा मन में भगवान कैसा होना चाहिए? मैं बोला अगर भगवान है तो ये भगवान हमको बहुत पैसा देना मांगते हैं। वो बोला लिखो पेपर कि भगवान खुले हाथ से दे दो तुमको, ये भगवान हमको अच्छा गर्लफ्रेंड देना मांगते हैं, लिखो, अच्छा नौकरी देना मांगते हैं, सबको सबके ऊपर दया रखना मांगते हैं सब। तो मैंने एक लिस्ट बनाया कि भगवान किस तरीके से रहना चाहिए, और मेरा स्पॉन्सर मेरा बोला ठीक है, अगर तुम उस तरीके के भगवान चाहिए तो ए तुमको फुल परमिशन अभी दिया पेज 46 में कि जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ड इज हिंदी, वो काफी है, काफी है लिखा है बुक में। बोला ठीक है, लेकिन हम ये मंदिर गज मस्जिद में नहीं जाने वाले हैं, तो ये भगवान हम कहाँ मिलेगा, किधर ढूंढो? वो बोला तुम पेज 55 खोलो, और पेज 55 पे तीसरा पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पे लिखा है, हर पुरुष स्त्री और बच्चे में ईश्वर का मूलभूत विचार होते हैं, हर स्त्री पुरुष और बच्चे में ये ईश्वर का गॉड का आइडिया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में लास्ट 3 लाइन में लिखा है, हमने इस महान सत्य के अपने भीतर भीतर ही पाया, अंत में विश्लेषण यह ही कि अपने भीतर ही इस महान से को पाया जा सकता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो हुआ। तो मैं तो भगवान को सब जगह में ढूंढता था, मंदिर चर्च मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह में ढूंढता था। बिग बुक बोला भगवान तेरे अंदर ही है। तो अगर मेरे हिसाब से भगवान तो जेनरस है और मेरे को बहुत पैसा देना मांगते हैं, तो मैं भी दूसरा को देना चाहिए जो मेरा पास है। अगर मैं बोलते हैं भगवान सबको माफी करना चाहिए, तो मैं भी दूसरा को माफी करना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, ये ढूंढने के लिए मैं तैयार है, लेकिन मैं मेरे जैसा शराबी, मेरा मन अब तक थोड़ा बंद है। मैं बोलता है हमको साबूत किधर है, हमको साबूत चाहिए, और फिर हम मान लेंगे कि ये भगवान काफी लोग को सोबर कर लिया। बोला ठीक है, तुम मैं थोड़ा रिवर्ड करो पेज नंबर 50 तक, और पेज नंबर 50 दूसरा पैराग्राफ में उसने बोला, फिर भी प्रस्ताव पर ये पुरुष और महिला एकमत है, इनमें से प्रत्येक के अपने से ऊंचा शक्ति के प्राप्त किया है और वे उस पर विश्वास करते हैं। इस ऊंचा शक्ति ने उन लोगों में ऐसे असंभव चमत्कार किए हैं जो मानव संसाधनों से होने असंभव है। वो बोला बारे ये लोग ये बुक लिखा है, ये सादा लोग का है, वर्ल्डली लोग का है, उसको पैसा चाहिए, लौट चाहिए, अच्छा आराम, घर, बंगला, गाड़ी। और बोलते कि इन लोग, 1 मिनट प्लीज, ये सब लोग जो ये बुक लिखा, उन लोग मान लिया कि है ऊंचा शक्ति, और ये ऊंचा शक्ति उन के लिए जो अपने शक्ति और अपने इच्छा से नहीं कर सका, ये ऊंचा शक्ति ने किया, उन लोग को सोबर रखा। नहीं हमको और भी सबूत चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 51 पे जाओ, दूसरा लाइन पे। तो बोला उन्होंने यह भी बताया कि उसने इतना बदलाव कैसा आया, जब सैकड़ों लोग यहाँ कहने के योग्य है गया कि आज उनका ईश्वर के मौजूदगी के बोर में सुचेत होने हुए जीवन से सबसे मेहत है, तो वे लोग ईश्वर पर भरोसा करने के एक संस्था करना पुरुष
रहे थे, बाप रे। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस 1939 में चालू हो गया, अभी हम लोग 2022 में आए, आई एम सॉरी 39 में बुक लिखा, 1935 में चालू हो गया, हम लोग 2022 में है, 87 इयर्स हो गया ए, 190 देश में है ए, 1,25,000 मीटिंग होते हैं रोज, 25 लाख लोग रोज मीटिंग में जाते हैं, 90 भाषा में ये पुस्तक 90 भाषा में लिखा है, और ये आज टोटल 5 करोड़ ये पुस्तक का सेल हो गया। पता नहीं कितने लोग रिकवर हो गया ये 12 पहरी करके। और मेरे को और भी सबूत चाहिए रॉय, आंख खोल के देखो 1984 में जब ही तुम आया और 1990, ये 6 साल में देख कितने लोग आए जो अभी 6 साल 5 साल 4 साल 3 साल, ये सब लोग तुम्हारे साथ में आया और वो सब लोग सोबर है, खाली पीते ही रहा। और ये सब लोग बोलते हैं ऊंचे शक्ति के वजह से, गॉड के वजह से आज का दिन मैं सोबर हूं। बोला ठीक है यार, कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो हमको ये साबुत देते हैं। ये बुक का पहला पेज पे जाओ, पहले संकार की प्रस्तावना नंबर XIII, और वहां लिखा है हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 100 में अधिक स्त्री व पुरुष है जो मन और शरीर के प्रस्तश निराशाजनक स्थिति से ठीक हो चुके हैं। इस पुस्तक का मुख्य उपदेश दूसरे शराबियों के निश्चित रूप से यह बताना है कि हम कैसा ठीक हुआ। अरे बारे, तो उन लोग कैसा ठीक हो गया, उन लोग लिखा और मैं भी पढ़ के मैं भी ठीक हो गया, और आज मैं जो शेयरिंग करता हूँ मैं बताता हूँ कि मैं ठीक कैसा हो गया यूजिंग द बुक ऑफ एए। ये मेरा कोई शानपना नहीं, मेरा इसमें कोई एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन नहीं, खाली बुक में जो है वो मेरा अनुभव है। अच्छा ठीक है, तो मैं ये दूसरा पैरी कभी ले लो और कैसा ले लो, वापस पेज नंबर 47 पे जाइए और सेकंड पैराग्राफ में उसने लिखा है हमने अपने आप से केवल एक छोटा सा प्रश्न पूछने की अवस्था थी, क्या मैं अब विश्वास करता हूं या विश्वास करने के लिए इच्छुक हूं कि मेरे से ऊंचा कोई शक्ति है। ये है दूसरा पैरी के सवाल, क्या मैं आज मान सकता हूं कि हाँ एक है एक भगवान, या मैं मान ले के दिए तैयार कि चलो शायद है एक भगवान जो सब ये लोग के सोबर रखा। ये है सेकंड स्टेप का क्वेश्चन। और बोला ऐसे जैसे ही कोई ये कहता है कि वह विश्वास करता है या विश्वास करने के लिए तैयार है, तो हम निश्चित तौर पर यह भरोसा दे सकते हैं कि वे सही मार्ग पर चल रहा है। और इस हिसाब से माय फ्रेंड्स मैंने दूसरा पैरी लिया। तो समरी में दूसरा पैरी में 3 भाग है, एक है बिलीफ मानने के लिए, दूसरा है भगवान ऊंचा शक्ति, तीसरा है पागलपन। अपना पागलपन पेज 23, 24, 30 पे लिखा है कि हम एक दिन गेम देगा, हम एक दिन दूसरे के बारे जैसे पिएगा और एक दिन मैं कंट्रोल एंड एंजॉय करेगा। क्यों? क्योंकि मेन प्रॉब्लम पेज 23 मेरा मन है। अरे मन में ये प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम पेज 40 है कि लैक ऑफ पावर, मेरे पास शक्ति नहीं था, हम एक शक्ति ढूंढना ही पड़ेगा इससे ठीक होना। क्यों ये शक्ति ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि डॉक्टर सिलकोत ने बताया कि अगर तुम ठीक होना चाहे तुमसे एक बड़ा शक्ति का जरूरत है। अरे बाप रे, तो कहाँ ढूंढो मैं ये और कैसा ढूंढो? पेज नंबर 45,
जी हाँ, ये पुस्तक का एक ही काम है, तुमको ये ऊपर उनका शक्ति ऊपर वाला कैसा ढूंढने का, यही काम है मेरा बुक का। अच्छा ठीक है, तो ये भगवान का डिस्क्रिप्शन है, जो तेरा मर्जी है, जो तेरा मर्जी है वो बनाओ तुम्हारा भगवान। अरे और ये कहाँ ढूंढो ये भगवान, बस तेरे अंदर है, तेरे अंदर है। और ये साबुत कहाँ मिलेगा, बुक पढ़ो यार, 5 करोड़ लोग के बुक लिया, 190 देश में, 87 ईयर्स में, और सब लोग सोबर हो गया। तो मैं ये बुक स्टेप कभी ले सकता है, जब भी मैं अपने आप को बोल सकता हूँ हाँ मैं मानता हूँ एक हायर और है, या मैं अपने आप को बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि शायद एक हायर पावर है। बिग बुक बोलता है खलास, तुमने दूसरा पैर लिया और तुम अपना रास्ता पे ऊपर है। और ये बार मेरा सेकंड स्टेप का शेयरिंग समाप्त हो गया, और मैं वापस नागपुर ग्रुप और जो सर्विस कर रहा है विजय बाबू और क्या सुधीर दिल्ली वाला और जिसने रीडिंग्स किया, सबका थैंक यू कि आप बहुत शांति से सुना, थैंक यू।